अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। प्रेम बंधन। जानकी बेटा तेरा मंगलसूत्र कहाँ है? मम्मी जी कल रात तक तो हमारी गली में ही था मंगलसूत्र, पता नहीं। ये तो मतलब हम ढूंढ लेंगे, यहीं पे होगा। इनके पैर को आराम की जरूरत है, कुछ दिनों के लिए इनको बेड रेस्ट ही देना होगा। शुभ समय आ चुका है, हर्ष का भाग्य बदलने वाला है। यह लड़की हर्ष के भाग्य को बदलने वाली है। वो फुटबॉल फुटबॉल गुड़िया। अरे पागल, बर्थडे पार्टी। मुझे पता है इस साल भी मेरा बर्थडे नहीं मनाएंगे, पर कोई बात नहीं, इस साल तो गुड़िया है ना मेरे पास, तो मैं उसके साथ खेलूंगा। पर मेरा बर्थडे क्यों नहीं मनाते? सबका बर्थडे मनाते, मेरा बर्थडे नहीं मनाते। मुझे कोई हैप्पी बर्थडे भी नहीं बोलता। रिपोर्टर कौन से कमरे हैं? फोन किया था ना मैंने? सॉरी सर, इट्स अगेंस्ट द पॉलिसी सर। मैंने पूछा मेरे को बताओ भी कहाँ है। तुम मुझे यहां क्यों लेके आए हो? इससे पहले कि वो लोग मुझे देख ले, मुझे यहां से भाग जाना चाहिए। इसे कैसे पता चला इसे पकड़ने आने वाले? मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो वही क्या जा रहा। तो ये भागा कैसे? सर वो पार्किंग की तरफ भागा है। पकड़ो। भाभी भाभी आप प्लीज हर्ष भैया के बर्थडे के बारे में उनसे कोई बात मत करिएगा। पर क्यों रोही, और इनका बर्थडे तुम लोग क्यों सेलिब्रेट नहीं करते हो? इसका रीजन खुद हर्ष भाई है भाभी। मतलब वो भी चाहते हैं कि उनकी बर्थडे पार्टी में उनके दोस्त आए, मेहमान आए, पर अगर इस घर में लोग आएंगे तो यू नो व्हाट आई मीन। मैं सबको बर्थडे विश करता हूँ, मुझे कोई विश नहीं करता है, मुझसे प्यार नहीं करता। पर कोई बात नहीं हर्ष, इस बार तो हमारे साथ गुड़िया है, तो वो हमारे साथ गेम भी खेलेगी, और फिर हम दो 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 बैलून भी बनाएंगे, फिर बहुत सारे बैलून भी बनाएंगे, और फिर गैस वाले बैलून हवा में उड़ा देंगे, हैप्पी बर्थडे उस पर लिख देंगे, फिर भगवान जी के पास चला जाएगा वो बैलून। गुड़िया के साथ बहुत सारे गेम्स खेलूंगा ना मैं,
That's like a birthday plan. Yeah. आप प्लीज कुछ मेंशन मत कीजिएगा. पता नहीं कैसे वो हाथ से निकल गया. मतलब मैं उसे एकदम पकड़ने ही वाला था, एंड मूवमेंट पे हाथ से निकल गया. I don't know how. क्योंकि वो हमसे दो कदम आगे चल रहा है. उसे पता है हम क्या करने जा रहे हैं, हमारा अगला कदम क्या होगा. पर कौन है ये, क्यों कर रहा है ये, पता लगाओ ना राजेश. अब मुझे तो एक ही बात पे शक है कि अपने यहाँ का ही है कोई जो मिला हुआ है और उसे टिप दे रहा है, वरना इट्स नॉट पॉसिबल कि पकड़ने जाओ और तभी निकल जाए. Maybe you're right. पर हमारे घर से कौन हो सकता है? I can't imagine. कुछ तो ऐसा चल रहा है इस घर में जो ठीक नहीं है. ना पापा जी ये बता रहे कि हर्षी को मारने की धमकी कौन दे रहा है, ना वो पुलिस के पास जा रहे. हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि कैसे पिता है वो, क्या कर रहे हैं वो अपने बेटे के लिए. और अब ये नई बात कि हर्षी का बर्थडे नहीं मनाते और वो भी लोगों की वजह से. कितने अजीब है ये लोग, लगते बिल्कुल सही है पर पता नहीं क्या छुपा है इन सबके मन में. जो यहाँ दिखता है ना वैसा यहाँ नहीं है, बहुत राजी पे है यहाँ. बच के रहना बच्चा. और उस दिन वो रंगीली भी तो यही कह रही थी कि इस घर में छुपे हैं कई राज. जब तक ये राज पता नहीं होंगे हमें तो कैसे ठीक करेंगे हम ये सब. पता नहीं भगवान इस घर का क्या होगा, पर हर्षी का जन्मदिन उनकी खुशियां तो हम उन्हें देख ही रहेंगे. कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे हम उनके लिए. इतनी रात को किचन में कौन हो सकता है? जानकी. अब देखो ना, हर्ष को तो उसी ने भगाया था. कितनी जल्दी थी उसे पुलिस स्टेशन जाने की, ताकि सबको पता चल जाए. और एक बात बताओ, कौन है ऐसा नया जो इस घर में आया? वही है ना, पक्का उसी ने कुछ किया है. बेकार में जानकी के पीछे पड़े हो तुम, इसलिए शायद वो ब्लैकमेलर अभी तक पकड़ा नहीं गया है. ये राजेश, तुम्ही ने बताया था ना कि ब्लैकमेलर को चोट लगी थी. हाँ, मैंने खून देखा था उसका. तो एक काम करो, वो सारे रिपोर्टर्स को चेक करो जो हर्ष के बारे में उल्टी सीधी बातें लिखते रहते हैं, स्पेशली वो जिसको हमने रास्ते से हटाया था. जी. इतनी रात को किचन. अरे ये क्या हुआ? जानकी, कुछ नहीं हुआ है, थोड़ी सी चोट लगी है, ठीक हो जाएगी. और इतना ओवरियाक्ट करने की जरूरत नहीं है. नहीं भाभी, छोटी सी चोट नहीं है, कितना खून आ रहा है. आपको डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं, तब तक हम माँ और दादी को बता देते हैं. नहीं, मम्मी जी और दादी को बताने की कोई जरूरत नहीं है. छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी. और तुम जाके अपने कमरे में आराम करो ना, ये सिंपैथी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है. जाओ. भाभी आप हमें क्यों गलत समझ रही है, खुद देखिए कितना खून आ रहा है. इंजेक्शन लगाना जरूरी है, नहीं तो सेप्टिक हो सकता है. कोई किसे सेप्टिक हो गया? भैया देखिए ना, भाभी को चोट लगी है, ब्लड आ रहा है. क्या वो? कुछ नहीं, वो किचन में काम कर रही थी तो चाकू से लग गई, बस इसीलिए वो परेशान हो रही थी. छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी. ये चाकू का निशान तो नहीं लगता. तुम तो घर से बाहर कहीं गई थी ना? भाई वही तो हम भी कह रहे हैं, मामूली चोट नहीं लग रही है. भाभी को लेकर चलते हैं, ड्रेसिंग करवा देते हैं. मैं इसका ख्याल रख लूंगा, तुम जाओ अपना काम करो जानकी. पर भैया आप एक बार मेरी बात तुम्हारी एक बार में कभी समझ नहीं आती ना. जाओ जानकी. कह रहे हैं ना कि ये मेरा ख्याल रख लेंगे, तो जाओ जाके अपने कमरे में आराम करो और ऐसे सर पे मत खड़ी रहो. जानकी एक काम करो,
वंदना की चोट से ज्यादा चिंता करो हर्ष की चोट की। जासूसी करना बंद करो हमारी। मतलब ये कि तुम क्या कर रही हो और क्यों कर रही हो मुझे अच्छे तरीके से पता है। और एक बात और सुन लो कान खोल के, ये तुम गेम खेल रही हो ना मेरे साथ मत खेलना। तुम्हारा ये खेल बहुत जल्दी खत्म करने वाला हूं मैं। भैया क्या कह रहे हैं आप? ज्यादा ना समझ मत बनो, जाओ यहां से अपना काम करो प्लीज। की चोट कैसी है? मैं ठीक हूं, थैंक गॉड। चोट देखकर राजेश को मुझ पे शक नहीं हुआ। शादी से पहले मेरी लाइफ कितनी सिंपल थी, सब रिश्ते तब सिंपल थे। हाँ पापा, नितिन, निशा, सब में थोड़ा प्यार था तो थोड़ा मनमुटाव। छोटा सा घर था तो चिंताएं और परेशानियां भी कितनी छोटी छोटी थी। पर यहां जब से आए हैं हर चीज बड़ी है। घर बड़ा, प्रॉब्लम्स बड़ी, सब कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। पैसे और पावर बहुत है यहां, मगर प्यार और विश्वास जरा भी नहीं। ये तस्वीर भी इस घर की तरह है जहां सारी खुशियां हैं, मगर खुशी में आने वाला कोई नहीं। एक अमीर आदमी अपना जन्मदिन तक नहीं मना सकता। ऐसी लाइफ तो नहीं होनी चाहिए थी इनकी। उस एक्सीडेंट से पहले कैसे होंगे ये? कितनी एनर्जेटिक और मोटिवेशनल पर्सनैलिटी थी इनकी, कितनी इंस्पिरेशन मिलती थी इनके इंटरव्यू सुन के। इतने टैलेंटेड इंसान की जिंदगी कैसे उस एक एक्सीडेंट से पूरी तरह बदल गई। इनके सारे सपने, सारी खुशियां, सब खत्म। कितना भयानक होगा वो एक्सीडेंट। आज इन्हें देखते हैं तो सोच कर भी कांप जाते हैं कि क्या हुआ होगा उस हादसे में जिसने इन्हें यहां से क्या बना दिया। इन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना हमारे मंगलसूत्र को वापस ला कर दिया, तो हमें भी किसी की परवाह किए बिना इनकी खुशियां ला कर देनी है। इनके लिए जो हो सकता है वो करना है। इनका बर्थडे मनाना है हमें, और हम ये बर्थडे जरूर मनाएंगे। ये कैसे बनता है? गुड मॉर्निंग गुड़िया। गुड मॉर्निंग। काश कोई हेल्प करता इसे बनाने में। हमें तो हो ही नहीं रहा। गुड़िया तो हमें सिखा देता। मैं सिखाऊंगा ना तुमको, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा।
रुको रुको रुको, अरे अरे आराम से आराम से। कोई बात नहीं, मैं तुमको सिखाता हूँ। आराम से आराम से आराम से आराम से, जस्ट वन सेकंड, मैं सिखाता हूँ। क्या बनाना है तुमको, बताओ मुझे। आपको आता है? मुझे बहुत अच्छे से आता है, पहले मुझे भी नहीं आता था, फिर मुझे दादी ने सिखाया और फिर मुझे आ गया, और फिर अब मैं तुमको सिखाऊंगा, फिर तुमको आ जाएगा, फिर तुम कुछ भी बना सकती हो अपने आप। आओ मैं सिखाता हूँ। ठीक है, ये देखो। समझ सकते हैं हर्ष सर, आपको आपका पोती नहीं मनाने का कितना दुख होता होगा। इस बार हम आपको दुखी नहीं होने देंगे, इस बार हम आपका पोती मनाएंगे और वो भी बड़ी धूमधाम से। ये हमारा आपसे प्रॉमिस है। हेलो, हाँ पापा, हम पहुंच गए पटना और निशा दी से बात होगी हमारी, वो आती होंगी हमें लेने। हम चले जाएंगे उनके साथ कॉलेज, ठीक है, आप चिंता मत करना। अरे ये रहा नितिन। अच्छा पापा, निशा दीदी और जीजू आ गए, हम बाद में बात करते हैं आपसे। कैसे हो भाई? बहुत अच्छा किया कि तू यहाँ आ गया। ठीक हूँ। कैसे हो? सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा। हो गया दोनों का मिलना, अब आगे का क्या प्लान है तेरा? और जानकी दीदी के घर जाएगा ना ये देखने की वहाँ क्या गड़बड़ चल रही है। वैसे नितिन, तुमने ये बता तो दिया ना तुम आ रहे हो, या फिर हम बताएं? वैसे कृष्ण ना बिल्कुल सही कह रहे हैं, वहाँ अपनों को मिलने के लिए तो अपॉइंटमेंट लगती है। तेरी अपॉइंटमेंट है या वो भी? कहीं चीजों ने बता ना दे कि मैं आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ अचानक जाना है, ताकि पता लग सके कि जानकी दी के यहाँ सब कुछ ठीक है या नहीं। Actually, दी जीजू, you will be surprised. हम यहाँ जानकी दी के ससुराल जाने नहीं आए हैं। हमें नहीं पसंद ये हाई क्लास लोग, जहाँ बात करनी हो तो परमिशन लो, हंसना हो तो परमिशन लो। जानकी दी से बात ही करनी है ना, वो तो हम फोन पे कर लेंगे। अच्छा, एंड व्हाट अबाउट योर हर्ष जीजू, उनसे नहीं मिलेगा तू? वैसे तो पूरा दिन उनके गुणगान गाता रहता है। उनके गुणगान इसलिए गाते हैं क्योंकि हम आपकी तरह ना जानकी दी से जलते नहीं है, और ना ही हर्ष जीजू और कृषि जीजू को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, क्योंकि हमारे लिए दोनों जीजू इक्वल है। जैसी तेरी मर्जी, वैसे वेलकम टू माय पटना, अब चले? हाँ चलो। नहीं नहीं नहीं, आज ऑफिस नहीं आएंगे हम, आज वर्क फ्रॉम होम ही करेंगे, समझ गए ना आप? चाची क्या हुआ, अब परेशान क्यों है? कुछ नहीं। फिर आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? बताइए ना क्या प्लान है, बताइए ना। तो प्लान ये है कि हम एक सरप्राइज पार्टी प्लान कर रहे हैं। सरप्राइज पार्टी? हाँ, हमारे हर्ष चाचू का बर्थडे, वो भी दो दिन में। पर इतनी बड़ी पार्टी ना तुम लोग के बिना पॉसिबल नहीं है, तो बोलो हमारी टीम तैयार है? तैयार। ग्रेट आइडिया चाची, बहुत मजा आएगा, है ना? और हाँ, मेरे पास बहुत सारे बलून थे, अब मेरे और हम लोग ना उसे डेकोरेशन कर सकते हैं। और हाँ, हम लोग हर्ष चाचू का फेवरेट कार्टून वाला केक भी बनवाएंगे, उसे देखकर हर्ष चाचू बहुत खुश होंगे ना। प्लान तैयार? यस, वी आर रेडी। मुझे कुछ भी करके उनके रूम में जाके वो पेन ड्राइव और वो फोटोग्राफ्स आज ही चुरानी होगी, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो तुम? हाँ, मैंने कहा था ना कि एक बैकअप प्लान रखो, लेकिन नहीं, यू वांटेड टू बी मोर स्मार्टर देन मी, तो भुगतो। जो भी बवाल होगा ना उसकी जिम्मेदार तुम होगी, समझे? बवाल तो ऑलरेडी हो चुका है, हमने हर्ष को एक्सपोज करने के लिए जितने भी सबूत इकट्ठे किए थे ना, वो पेन ड्राइव, वो फोटोज, सब वही छूट गए हैं, वो तुम्हारे ससुराल वालों के हाथ भी लग चुके हैं। अब मुझे नहीं पता तुम कैसे करोगी, लेकिन मुझे वो सब सबूत तुम ही ला करके दोगी। और एक बात बताओ भाई, तुम अपने ससुराल वालों के खिलाफ जाकर के मेरी हेल्प क्यों कर रही हो भाई? आखिर तुम्हारी क्या दुश्मनी है उनसे? Hey, that's none of your business, okay? तुम सिर्फ अपने काम से काम रखो, समझे? तुम्हें एक सेंसेशनल स्टोरी मिल रही है और साथ में बहुत सारे पैसे, इसलिए चुप करके अब मुझे करने दो जो मुझे करना है। तुमने ये जो कबाड़ा किया है ना, उसको समेटने की जिम्मेदारी अब मेरे कंधे आ गई है, इसलिए लेट मी डू माई वर्क।
हूँ। पापा जी तो आज काम पे भी नहीं जा रहे हैं, क्या करूँ? मुझे कुछ भी करके उनके रूम में जाके वो पेन ड्राइव और वो फोटोग्राफ्स आज ही चुरानी होगी, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। तो मेरी गुड़िया है ना, तो फिर मुझसे क्यों नहीं बात कर रहे? मैं इतना सुंदर है, इतनी देर लगा के बना के भी लाया हूँ, मुझसे तो बात ही नहीं करती, उनसे बात कर रही है। गलत बात है, मुझे गुस्सा आ जाएगा, वेरी बैड। सुनता हूँ जरा क्या बातें कर रहे हैं। तुम भी गंदी गुड़िया, तुम क्यों उससे बात कर रही थी? तुम मेरी गुड़िया हो ना, तो तुमको मुझसे बात करनी चाहिए ना। मैं तुमको ये गिफ्ट देने के लिए आया था, तुमने उससे बात कर रही थी, तो तुमसे मुझसे बात ही नहीं की तुमने, तो तुम्हारा मैं कट्टी हो जाऊंगा तुमसे। लगी क्या फिर से? लगी तो नहीं उससे ना, गलती से वो ये सब टूट गया है, हम वापस बना देते हैं। इतनी देर लगा के बनाया था तुम्हारे लिए, तुमको गिफ्ट देना था, उसने सारा तोड़ दिया उसने जान के आखिर उसने ऐसे किया, और मुझे कहता है कि तुम्हारी बात की सुन रहा था। नहीं उसने जानबूझकर नहीं किया, मुझसे बात करनी चाहिए। मैं तुमको ये गिफ्ट देने के लिए आ रहा था, तुमने उससे बात कर रही थी, तुमसे मुझसे बात ही नहीं की तुमने, मैं कट्टी हो जाऊंगा तुमसे। लोगों ने मेरे साथ जो किया है उसका नतीजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ, कहीं का नहीं छोड़ूंगी तुम लोगों को। मैं छोड़ना नहीं है हमारे किसी भी दुश्मन को, इसी तरह नजर रखे रहना है। मना किया था ना कॉल करने को या फिर यहाँ पे आने के लिए? आज अगर तुम्हें और मुझे किसी ने साथ में देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे।